सर्वं साद्वैतं सर्वभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान शरणलयिता श्री विशाखानिकायस्य ओमैकान्तिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः गुरुदेवाय धीमहि समस्तै श्रीमद्भक्तिस्वरूपा सिद्धान्ते ब्रह्मविष्णवे नमः गुरुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायणे नमः नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी केशव नाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षवाय देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समर्थ विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्यद्रमाढ्रीपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतालिने श्रीरूपानुगदुर्भाव सिद्धान्तदन्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसामुते पादम्बुजायते नमः नाम भक्तिमनदाय सचिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमरायते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टाचलप्रिय वैष्णवसार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च श्रीपादसिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तव नरसम संसार दारि भक्त जीव कुल उभर धारि करुणा वारिद कृपा वारिद पासु हरि गौर प्रेमी वंदे गुरु चरण कमल सदा हरि विग्रह सेवनी श्रृंगार विहार मंदिर मंजरी करे नदी दुख अनुगत जनी वंदे गुरु चरण कमल प्रसादन कृष्ण अति स्वादुहे भक्तास्वादने निज त्रिपरे मनुष्य गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला स्वादने दुख चितगिनि हर प्रतिचरे वंदिते गुरु चरण कमल व्रज गुरुवंद रति समर्थने युक्ति कर सखी तन वृंदावनी अति दत्तताये प्रियतम गाये वंदिते गुरु चरण कमल सर्वदा
जय श्री हरि स्वरूप भक्त गण आवे जय अनुरूप किंतु जनि प्रभु प्रियतम रूप वंदि श्री गुरु चरण कमल यहार प्रसाद कृष्ण कृपा पाई यार प्रसाद अन्न गति नाई श्री सद्धा कीर्तिरा तब ध्यानि भाई वंदि श्री गुरु चरण कमल गुरु सेवा सका अति जतन करी ब्राह्मण मूर्ति परे उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा भाई से Da
Thank you.
ये निकल गया 270 कोणते लिस्ट का गंगेचे आमचे वृंदावन वृंदावन Thank you.
हतिम्रां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 गौर ब्रह्मंदे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला वरिष्ठ विष्णु पाद यशोदर सदर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धों सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला वरिष्ठ विष्णु पाद यशोदर सदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों स्पर्श में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णव सभी को मैं सत्ता जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोगों ने गतकल्ला श्रवण कर रहे थे महाप्रभु जगत में आने का कितना कारण है? चार कारण है। आज हम लोग श्रवण करेंगे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में कैसे अवतीर्ण होते हैं और अवतीर्ण होने से पहले नवद्वीप का क्या सिचुएशन था इसी विषय पर श्रवण करेंगे। यहाँ पर कहते हैं बोले पूर्व ब्रह्मा जन्म ले नाभि पद्म है ते तथापि वह शक्ति नहीं किछु देखिते। जब से वृंदावन दास ठाकुर आरंभ करते हैं पहले कहते हैं जैसे ब्रह्मा जब भगवान का नाभि कमल से सृष्टि हुए तो उन्होंने पहले एक सर था, अभी उन्हें चारी तरफ में देखने की इच्छा हो गया तो उन्हें चार सर हो गया। अभी उनको पता नहीं चल रहा है मेरी सृष्टि कहाँ से हुई, मुझे क्या करनी चाहिए। उन्होंने कमल नाग में हजार साल तक उन्होंने अनुसंधान घूमते रहे लेकिन कोई समझ में कुछ नहीं आया। फिर पूर्व में उठे, उठ करके फिर उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुना, एकोसमा और सोलमा है, सोलह और एकोसमा और पे तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की फिर भगवान ने बोले ज्ञानमें परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्यं च तदगंच गृहाणम गदितमय। भगवान ने कृपा करके सारे शास्त्र को उनके हृदय में उन्होंने विज्ञान को साथ में हृदय में उन्होंने स्फूर्ति कराया। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते ब्रह्मा जैसे व्यक्ति हैं जिनको कोई था नहीं पाए फिर मेरे अंदर में कितना शक्ति जो कि भगवान की लीला को हम वर्णना कर सकते। जैसे ब्रह्मा जब समझ नहीं पाए हम फिर किसी चीज की है। इसलिए अचंत अज्ञम कृष्ण अवतार लीला से ही ब्रह्मा भागवत है अपने कहला। कहते भगवान का जो लीला है वो अचिंत है, वो अगम्य है। कहते ब्रह्मा जी भागवत में स्वयं बताए। तो यहाँ पर बता रहे हैं अभी महाप्रभु जगत में जो अवतीर्ण हुए क्यों अवतीर्ण हुए। बोले धरा धर्म पराभव है जखने जखने अधर्म मेरा प्रबलता बड़े दिने दिने। भगवान कब आते हैं? जिस समय जदा जदाही धर्म से क्लानी भगवती। जब जब धर्म को पर में कोई बाधा विपत्ति धीरे 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 धर्म घटने जाता है भगवान क्या करते हैं उसी समय में जब अधर्म बढ़ने लग जाती है भगवान युग युग में अवतीर्ण होकर के वो अधर्म को विनाश करते हैं, धर्म को स्थापना करते हैं,
गैया पृथ्वी ब्राह्मणों को रक्षा भगवान भगवान करते हैं, इसलिए यहाँ करें भगवान ये दैत्य को फिर मारते हैं क्यों? यहाँ प्रश्न करता है, भगवान तो पिता है, हैं? जब भगवान पिता सब उनको बच्चे हैं, फिर भगवान को दिखाई पड़ता है ये दैत्यों को मारते हैं, कारण क्या है? दैत्यों को क्यों मारते हैं भगवान, जब उनकी सभी सभी संतान हैं, फिर अपने संतान को क्यों मारते हैं? यहाँ पर कारण बताए, जैसे जैसे दो बच्चे हैं, हैं? आज का दिन एक बच्चा का शादी है, तब लेकिन एक बच्चा का पेट खराब है, एक बच्चा का तबीयत सही, उसका शादी हो रही है और एक बच्चा का पूरा पेट पतला है, मैया क्या करती है? इसका शादी है ना, उसको घोड़ा में बैठा करके और बढ़िया बढ़िया चकाचक लड्डू कचौड़ी इमरती मालपुआ उसको खिलाती है, लेकिन जिस बेटा का पेट पतला है मैया क्या करती है? पतला डालिया बना करके, एकदम पतली पतली डालिया बना करके उसको खिलाती है, कहते माँ एक को तो लड्डू कचौड़ी खिला रही है और एक को क्या कर रही है? एकदम पतली पतली डालिया खिला रही है, कहते ये दोनों के लिए ही है, ये दोनों के लिए ही कल्याणदायी है, कहते इसलिए यहाँ जो दिखता है भगवान दैत्यों को वध करते हैं, ये भी है, ये भी भगवान की दया का परिचय है, कहते भगवान को हाथ में मरने पर बताया हतारी गति दायक, मतलब भगवान का हाथों में जो मरते हैं, कहते बड़े बड़े ज्ञानियों को जो पद की प्राप्ति नहीं होता है कठोर साधन वजन से, जो मुक्ति पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भगवान का हाथ में मर भी गया ना, वो सीधा उनको उनको मुक्ति मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो दिखाई पड़ता है शिशुपाल दंत पक्र इनको भगवान ने मारा है, कहते उनकी दया की परिचित है। अभी यहाँ एक प्रश्न उठा रहे हैं, कहते हैं भगवान धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, दुष्टों को संहार करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न करते हैं, कहते ये काम को तो बड़े बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि, हाँ जब धर्म की हानि होती है, कहते हैं ये लोग भी बड़े बड़े धर्मस्थ राजर्षि ये साधु लोग ही सब काम को कर सकते हैं, हाँ भगवान का नाम के प्रचार ये भी कर सकते हैं, ये दुष्टों को ये भी विनाश कर सकते हैं, फिर ये भगवान को फिर जगत में आना क्यों जरूरत पड़ गया, भगवान को जगत में क्यों आते हैं, कारण क्या है, हैं? तो यहाँ पर कहते हैं परित्राण आय, भगवान क्या करते हैं, कहते जितने दुष्टों को परित्राण करते हैं, जैसे शिशु पहले जीवन में जो ये जो वैकुंठ का जो दो परिकर थे जय और विजय, जब उन्होंने चतुसन का अभिशाप से उनका पतन हुआ, पहले अवतार पहले सत्य युग में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए, इनको कौन कौन वध किया बताओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन मारे हैं बोलो, हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान और हिरण्याक्ष को वराहदेव जी, एक वराहदेव मारे और एक हिरण्यकशिपु मारे, लेकिन इनके हाथ में तो मरे लेकिन इनको उधार नहीं हुआ, फिर दूसरे अवतार में रावण और कुंभकर्ण उनको कौन मारे, उनको भगवान राम ने मारा, भगवान राम ने मारे लेकिन तभी उनको उधार नहीं हुआ, लेकिन तीसरे अवतार में क्या बनकर काम, शिशुपाल शिशुपाल और मरे लेकिन इनका मुक्ति इनको उधार नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण के हाथ में मरने पर ही इनकी उधार हुआ, उसको पहले उधार नहीं हुआ, इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते ये जो ये काम केवल कृष्ण ही कर सकता, दूसरे नहीं कर सकते, दूसरे के लिए ये दुष्कर है, और उन्होंने जो धर्म को स्थापन किया ये भी साधारण व्यक्ति कर नहीं सकते हैं, और दूसरा कारण कहते हैं भगवान को क्यों आना पड़ता है, कारण क्या है, बोले कारण है जैसे जगत में जब कोई भक्त आते हैं ना, हैं जब कोई भक्त उनके हृदय में जो उत्कंठा है
हमें भगवान का दर्शन कैसे मिले, हमें भगवान के दर्शन कैसे मिले। कहते हैं दूसरे दूसरे साधु लोग तो कर सकते हैं, लेकिन जब उनको जो हृदय में उत्कंठा भगवत दर्शन करने का, वो तो केवल कृष्ण दर्शन से ही उनका मन में तृप्ति मिलती है। जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तब तक इनको तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए भगवान तो अनुग्रहाया भक्तानाम करोमि विविध क्रिया, भगवान जब इस जगत में आते हैं भक्तों को पर अनुग्रह उनका दर्शन दे करके उनका विरह को दूर करने के लिए आते हैं। ठाकुर जी हैं दूर करने के लिए आते हैं, ये काम को दूसरा कोई कर ही नहीं सकते ठाकुर के सिवाय। बोले कलयुगे ये धर्म है नाम संकीर्तन एतत अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए, बोले जो कलयुग का जो युग धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन, श्रीमन महाप्रभु इसी हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रचार करने के लिए जगत में आए। इसलिए भागवत में नेमी नव योगेंद्र संवाद में वहाँ पर बताए, जब श्री नेमी महाराज ने प्रश्न किया कलयुग का अवतार कौन है और उनको कैसे आराधना की जाएगी, तब नव योगेंद्र कहते हैं बोले कृष्ण वर्णम तिशाम अकृष्ण सांगपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस। बोले कलयुग का अवतार कौन है, बोले कृष्ण, ये जो दो वर्ण जिनका जिह्वा में हर समय उच्चारण होगा। इसलिए महाप्रभु हर समय क्या कहते थे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव फाइवा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। महाप्रभु हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु हर समय क्या करते थे, इसी नाम को जप करते थे। कृष्ण वर्णम, ये जो कृष्ण दो अक्षर जिसके जीवा में हर समय उच्चारण हुआ, लेकिन अकृष्ण तिशा जिसकी अंग कांति कैसे है, बोले अकृष्ण जो कृष्ण नहीं वो गोरे हैं, वे उनका अंग कौन है, बोले नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य उनका अंग। कहते उनका परिकर कौन है, कहते उनका परिकर श्रीवास गदाधर स्वरूप दामोदर राय रामानंद, ये जितने सबके सब उनकी परिकरों के साथ भगवान कलयुग में अवतीर्ण होते हैं। बोले उनका अस्त्र क्या है, सत्ययुग में भगवान हैं, जब भगवान नारायण रूप में आते हैं चक्र लेकर के आते हैं, राम रूप में आए तो धनुष बाण, कृष्ण रूप में आए तो शंख चक्र गदा पद्म धारण की, लेकिन कलयुग में उनका अस्त्र क्या है, कलयुग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलयुग में यही अस्त्र है। बोले ये अस्त्र कैसे, अस्त्र से तो क्या करते हैं, काटते हैं ना अस्त्र से, बोले हरिनाम कैसे अस्त्र है। कहते दूसरे दूसरे अवतार में भगवान तो ऊपर से उनको मारे, ये शिशुपाल दत्त वगैरह को रावण कुंभकर्ण मारे, लेकिन कलयुग में बोले एवे अस्त्र नाधर ल प्राणी कार्य नाम ल, लेकिन इसी अवतार में उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया और प्राण से किसको मारे नहीं, उन्होंने हृदय में जो काम क्रोध लोग बड़े बड़े दैत्य बैठे हुए उनको उन्होंने मार डाले। कलयुग में ये अस्त्र, और कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनको आराधना कैसे करेंगे, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस। कलयुग में जो अस्त्र है ये भगवान का हरिनाम ही कलयुग में यही है। कहते कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको इसी हरि नाम को द्वारा ही उनकी आराधना करेंगे। और इसलिए पता क्या बताए, हरे नाम हरे नाम ही वह केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व कथिरन्य था। कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय और कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान की आराधना करेंगे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय जय श्री राधे हिताय गौर ब्रह्मानंदे।
हरी हरी बोल। हम कथा को एक विश्राम देते हैं क्योंकि आज दोपहर में जग गए हैं, ठीक है। अब लोग आ जाना और कल रात को